हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, गाइस, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वहां यूज होता है फ्रेंड्स, कोई काम अभी हुआ नहीं है, वो काम होगा, लेकिन उसे कौन करेगा ये नहीं दिखाना है, उसे बस दिखाना है कि ये काम कर दिया जाएगा। जैसे अगर आपने किसी को बोला कि ठीक है, तुम्हारे सारे काम कर दिए जाएंगे, अब कौन करेगा ये तो हम दिखा नहीं रहे, बट आपका काम हो जाएगा ये दिखा रहे। जैसे कल उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कौन निकालेगा इसका जिक्र हम नहीं कर रहे, बट वो नौकरी से निकल जाएगा ये हम जरूर बता रहे। तो कोई ऐसा काम जो कर दिया जाएगा, इस तरह से अगर आपको हिंदी में बोलना हो तो अंग्रेजी में जो हम बोलेंगे गाइज, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव होगा। देखते हैं कैसे। जैसे यहां एक सेंटेंस है कि यह काम पूरा किया जाएगा, कौन करेगा उससे कोई मतलब नहीं, काम पूरा कर दिया जाएगा। इसे बोलने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना होगा और इस तरह के पैसिव को हम फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव कहते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, जो पहचान जानना चाहते हैं, वो ऐसे जान सकते हैं कि कोई भी काम कर दिया जाएगा, किया जाएगा, खाना पकाया जाएगा, उसे इनवाइट किया जाएगा, उसे पीटा जाएगा, आपके कपड़े धो दिए जाएंगे, कुछ भी कर दिया जाएगा, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव। सो गाइस, देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, जो सब्जेक्ट की तरह दिख रही है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर काम करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपको लगाना है विल बी। जी हाँ दोस्तों, विल बी लगाना है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर कंप्लीट है तो उसका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा, अगर वॉश है तो थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि किसके द्वारा उस काम को किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको सब्जेक्ट दिखाना है तो ऑप्शन है, आप बाई लगाइए, सब्जेक्ट दिखाइए, और अगर नहीं दिखाना है तो मत लगाइए, ऑप्शनल है। अब कैसे देखते हैं कि यह काम पूरा कर दिया जाएगा या किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यह काम यह हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यह काम मतलब दिस वर्क, यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें लगाना है विल बी, तो यहां पर लगाइए विल बी, पूरा करना मतलब कंप्लीट करना, उसका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड। जैसे आपने विल बी के साथ थर्ड फॉर्म कहीं पर देख लिया तो आपको समझ जाना है कि कुछ ना कुछ फ्यूचर में किया जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको बाई लगाए लगा के ही दिखाए, किताबों में हो सकता है, आप जो कोई भी बुक देखेंगे ट्रांसलेशन की उसमें बाई ही रहेगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब आएंगे फ्रेंड्स तो जरूरी नहीं कि आपको बाई हमेशा दिखाई दे। वेल, मुझे डांटा जाएगा, मैं कह रहा हूं यार मुझे ना बहुत बुरी तरह डांटा जाएगा, कौन डांटेगा, मैं नहीं दिखाना चाहता हूं, मुझे डांटा जाएगा, तो ये मी नहीं है, ये आई है, आई के साथ आप विल बी लगाइए, आई विल बी, डांटने को कहते हैं स्कॉल्ड, आप थर्ड फॉर्म लगाइए स्कॉल्डेड, आई विल बी स्कॉल्डेड, मुझे डांटा जाएगा। कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमने तो आई और वी के साथ शैल पढ़ाया हमेशा, आप तो विल लगा रहे हो। सो गाइस, स्पोकन इंग्लिश में आप आई के साथ विल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शैल के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, फिर बताऊंगा कि शैल कहां कहां यूज होते हैं। वेल, उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसे अगर कोई मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, मान लीजिए ही, अब यहां लगाइए विल, जैसे नेगेटिव आ जाए फ्रेंड्स तो आप इन दोनों के बीच में नॉट लगाना है, लगाइए यहां पर विल नॉट बी, ये नहीं कि आपने विल बी बोला और नॉट यहां लगा दिया, ऐसा नहीं, विल नॉट बी ऐसा होगा, तो ही विल यहां नॉट लगाइए और बी यहां लगाइए, ही विल नॉट बी, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अरेस्टेड, ही विल नॉट बी अरेस्टेड, उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ये एक सवाल है, इंटरोगेटिव है। अब तक आपको पता चल गया होगा कि कोई भी इंटरोगेटिव हो जो स्टार्टिंग उसकी क्या से हो तो इस हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले उठाना होगा।
तो सबसे पहले आप उठाइए विल, विल के बाद बच्चों को, बच्चों मतलब चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन, उसके बाद ये जो बी है इसे लास्ट में लगाइए। जी हां, ये पूरा विल भी यहां नहीं आएगा, सबसे पहले विल, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो, और फिर यहां पर बी। विल द चिल्ड्रेन बी, पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। विल द चिल्ड्रेन बी टॉट, क्या बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इट मींस कि इस पैसिव का जब भी इस्तेमाल होगा तो विल बी जरूर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आता है पैसिव में फ्रेंड्स। कुछ एग्जांपल्स में बोलता हूं, अगर मुझे बोलना है कि पौधों को पानी दिया जाएगा, प्लांट्स विल बी वाटर्ड। कुछ लोगों को आज इनवाइट किया जाएगा, सम पीपल विल बी इनवाइटेड टुडे। मुझे फायर कर दिया जाएगा, यानी कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आई विल बी फायर्ड या आई विल बी टर्मिनेटेड। तुम्हें धमकाया जाएगा, यू विल बी थ्रेटन्ड। मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा, आई विल नॉट बी टॉट, विल नॉट बी टॉट। कई बार विल नॉट को वॉन्ट भी कहा जाता है फ्रेंड्स, जैसे ये विल नॉट है, तो इसको अगर शॉर्ट में देखें तो W O N और यहां T लगाइए, won't भी कहा जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है won't be, अगर कहीं पर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि will not है। जैसे मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा, I won't be taught, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, क्या तुम्हें इनवाइट किया जाएगा, will you be invited। कितने लोगों को इनवाइट किया जाएगा, how many people will be invited। आपका काम कर दिया जाएगा, योर वर्क विल बी डन। सो गाइस, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप सोचिए और इस स्ट्रक्चर का ख्याल रखते हुए उसे ट्रांसलेट कीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह देखेंगे फ्रेंड्स, जरूर आपको पैसिव मिलेगा, पूरा न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, मैगजीन्स आपको पैसिव से भरे हुए मिलेंगे गाइस। और कई लोगों को समझ में आता नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है ये क्या है, थर्ड फॉर्म विल वो समझ नहीं पाते फ्रेंड्स। तो गाइस, जिन्होंने मेरे सारे वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं, जो नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज गाइस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे आप क्लिक करेंगे, पूरी लिस्ट खुलेगी, उस पर सारे टॉपिक्स मेंशन है, आप उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए, ताकि आप सब कुछ समझ पाए फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सारे नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे फ्रेंड्स। टिल देन, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।